वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गौरी ललन गणपति भगवान की जय। बोलिए वक्रतुंड महाकाय की जय। बोलिए रिद्धि सिद्धि के दाता गणपत भगवान की जय। गौरीनंदन भगवान श्री गणेश जो कि सभी गणों के ईश हैं, जो प्रथम पूजनीय हैं, जो गजमुख हैं, एक दंत हैं, उनके अनेकानेक स्वरूप और अनेकानेक नाम हैं। इनकी लीलाओं और कथाओं का वर्णन हमारे वेद पुराणों में आता है। उन्हीं पवित्र कथाओं में से मैं आपको आज भगवान श्री गणेश जी के पावन जन्म की गाथा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों उन्हें गौरी पुत्र कहा जाता है, क्यों इन्हें गणों का ईश बनाया गया और क्यों इन्हें प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भक्तों, वेदों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा के सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का समूल विनाश हो जाता है और वो मनुष्य जीवन काल में समस्त सुखों को भोग कर अंत समय में वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। तो आइए इस घनघोर कलयुग में भवपार तारिणी भगवान श्री गणेश जी की जन्म की संगीतमय कथा सुनते हैं। बोलिए गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश जी की, गौरी शंकर भगवान की जय हो। गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान। श्रवण मात्र से हो जाता है, श्रवण मात्र से हो जाता है भक्तों का कल्याण। गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान। जनों, एक दिवस की बात है, कैलाश पर भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न थे। नंदी, भृंगी और अन्य शिवगण भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। ऐसे में माँ गौरा ने सोचा कि जब तक भोलेनाथ समाधि से जागते हैं, क्यों ना तब तक मैं स्नान करके आ जाऊं। माँ गौरा ने अपनी दो सखियों जया और विजया को बुलवाया और उनके साथ स्नानागृह चल दी। चलते चलते नंदी को माँ ने आज्ञा दी
यदि भोलेनाथ समाधि से जाग जाएं, तो उन्हें सारी सूचना दे दी जाए। सखियों सहित माँ स्नानागृह पहुंच जाती है। सखियों ने माँ को उबटन लगाया कि तभी जया के मन में विचार आया कि द्वार पर कोई प्रहरी तो है ही नहीं। ऐसे में यदि कोई पुरुष स्नानागृह के भीतर आ गया तो क्या होगा? अपने मन की बात माँ गौरा से कहती है। माँ गौरा को उसका विचार जच जाता है और इस बात की युक्ति सोचने लगती है। सोचते सोचते माँ को युक्ति सूझ जाती है। अपने शरीर पे लगे उपटन को माँ ने अपने हाथों से उतारा और उसे एक मानव आकार दे दिया। प्राण मंत्र फूंक कर उस पुतले में प्राण भर दिए। प्राण पड़ते ही वो पुतला एक हृष्ट पुष्ट बालक बन गया। गौरा ने बालक के हाथ में दंड पकड़ाया और ये आज्ञा दी कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी स्नानागृह के भीतर ना आने पाए। बालक माँ को प्रणाम कर उनकी आज्ञा का पालन करने द्वार पर जाकर बैठ गया। माँ ने उबटन है उतारा, दिया मानव आकारा। प्राण पुतले में फूके, प्राण उसमें संचारा। प्राण पुतले में फूके, प्राण उसमें संचारा। प्राण बालक में आए, गौरा ने दंड थमाए। जाओ तुम द्वार पे बैठो, कोई भीतर ना आए। जाओ तुम द्वार पे बैठो, कोई भीतर ना आए। बालक द्वार पे जाकर बैठा, बालक द्वार पे जाकर बैठा। माँ की आज्ञा मान, गणेश के जन्म की कथा महान। गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा इधर माँ बाल गणेश को द्वार पर बिठाकर स्नान कर रही है और उधर कैलाश पर भोले बाबा समाधि से जाग जाते हैं। गौरा को वहाँ न पाकर नंदी से पूछते हैं तो नंदी बताते हैं कि माँ जया और विजया को साथ ले स्नान करने गई है। भोले बाबा अपने गणों को आज्ञा देते हैं कि जल्दी से स्नानागृह जाओ और बाहर से ही गौरा को आवाज लगाकर बताओ कि भोलेनाथ समाधि से जाग चुके हैं और उन्हें तुरंत कैलाश पर वापस बुला रहे हैं। बोलना भोलेनाथ को अत्यंत भूख लगी है और वो गौरा के हाथ का बना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। भोले बाबा की आज्ञा पाकर नंदी, भृंगी और अन्य शिवगण स्नानागृह के द्वार पर पहुंचते हैं और मैया मैया कहने लगते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक हष्ट पुष्ट बालक हाथों में दंड लेकर स्नानागृह के द्वार पर पहरा दे रहा है। परिचय पूछने पर वो स्वयं को गौरी का पुत्र बताता है। समस्त शिवगण बालक का उपहास करने लगते हैं कि भला माँ गौरा की संतान कैसे हो सकती है, और स्नानागृह के भीतर जाने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो बाल गणेश
भृंगी को सींगों से पकड़कर भूमि पर पटक देते हैं, नंदी को सींगों से पकड़कर आकाश में उछाल देते हैं और सभी शिव गणों की ऐसी मार लगाते हैं कि वो भागते भागते भोलेनाथ के पास आते हैं। भोलेनाथ सारी बात जानते हैं तो अत्यंत क्रोध करते हुए स्नानागृह के द्वार पर आते हैं और बालक को मार्ग से हटने के लिए कहते हैं। बालक कहता है, मैं तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं भला मार्ग से कैसे हट सकता हूँ। भोलेनाथ उसकी धृष्टता पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल के प्रहार से उस बालक का शीश काटकर आकाश में उड़ा देते हैं। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। द्वार को लाहल सुन के मैया थी बाहर आई, पुत्र को मृत जब देखा जोर से माँ चिल्लाई। पुत्र को मृत जब देखा जोर से माँ चिल्लाई। क्रोध में शिव जी से बोली, इसे जीवित करवाओ नहीं तो सारी सृष्टि को मुझसे बचा ना पाओ। नहीं तो सारी सृष्टि को मुझसे बचा ना पाओ। सारी सृष्टि को कर दूंगी, सारी सृष्टि को कर दूंगी, पल भर में शमशान गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा जनों, जब शिव जी को ये ज्ञात हुआ कि ये बालक तो सचमुच गौरी का लाल ही है और ये तो केवल अपनी माता के वचनों की रक्षा कर रहा था, तो उन्हें बालक को मारने पर मन में बहुत पछतावा हुआ। और इधर माँ गौरा चंडी रूप में रौद्र रूप धारण किए हुए है, माँ ने पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की ठान ली है। सभी देवी देवता शिवगण भगवान भोलेनाथ की शरण में आए और उनके चरणों में गिरकर बालक को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु का आह्वान किया और उनसे अनुरोध किया कि वो इसी समय दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और जो भी जीव अथवा प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका शीश शीघ्र अति शीघ्र यहाँ ले आए। भगवान श्री हरि विष्णु दक्षिण दिशा को जाते हैं भक्तों, तो क्या देखते हैं कि एक गज बालक मार्ग में सो रहा है। भगवान शिव के आदेशानुसार वो गज बालक का शीश लेकर कैलाश वापस आते हैं। भगवान शिव जीवन मंत्र पढ़कर मृत बालक के धड़ से गज के शीश को जोड़ देते हैं। माँ गौरा का मृत बालक फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाता है। माँ गौरा भी अपने लाल को जीवित देखकर शांत हो जाती है। पूरे स्वर्ग में भगवान शिव, माँ गौरा और उस नन्हे बालक की जय जयकार हो रही है। शिव जी श्री हरि बुलाए, दिशा दक्षिण भिजवाए, श्री हरि विष्णु के हाथों गज का फिर शीश मंगाए। श्री हरि विष्णु के हाथों गज का फिर शीश
विष्णु के हाथों गज का फिर शीश मंगाई। मंत्र शिव जी ने पढ़ के धड़ से गज शीश लगाया। गौर के लाल को शिव ने भक्तों फिर से था जिलाया। गौर के लाल को शिव ने भक्तों फिर से था जिलाया। पूरे स्वर्ग में हो रहा भक्तों, पूरे स्वर्ग में हो रहा भक्तों, शिव गौरा गुणगान। गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान। भगवान श्री गणेश के जन्म भगवान शिव के हाथों, उनकी मृत्यु और फिर गजमुख रूप में उनके पुनर्जन्म की कथा चहुं ओर प्रसिद्ध हो गई थी भक्तों। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान श्री गणेश के दर्शनों हेतु कैलाश पर उमड़ आए। सर्वप्रथम भगवान शिव ने बालक का नामकरण किया। उन्होंने बालक को सभी गणों का ईश बनाया और इसलिए उन्हें गणेश का नाम दिया। साथ ही उन्होंने बाल गणेश को यह आशीर्वाद भी दिया कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश ही पूजनीय होंगे। अर्थात किसी भी शुभ कार्य में किसी भी देवी देवता से पहले उनका नाम लिया जाएगा और उनका पूजन किया जाएगा। बालक की मुंह दिखाई हेतु सभी देवी देवता उन्हें प्रदान करने हेतु अनेक अनेक उपहार लेकर आए हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी ने बाल गणेश को वेदों का ज्ञान और अपना ब्रह्म कमंडल दिया, तो ब्रह्माणी ने बुद्धि और स्वर का दान दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की शक्ति, तो माँ लक्ष्मी ने धन और धान दिया। इसी तरह अग्नि ने अपना तेज, वायु ने अपना वेग, वरुण ने अपनी जल शक्ति, काल ने अपना पाश, इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत, भगवान सूर्य ने अपना प्रकाश, इन सब से बाल गणेश को सुशोभित किया। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। ब्रह्मा ने वेद दिए हैं स्वर अबुद्धि ब्रह्माणी, विष्णु ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी ने धन और धानी। विष्णु ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी ने धन और धानी। अग्नि ने ताप दिया है, वायु ने वेग दिया है, सूर्य ने अपनी रोशनी, काल ने पाश दिया है। सूर्य ने अपनी रोशनी, काल ने पाश दिया है। ऐरावत और वज्र काप ने, ऐरावत और वज्र काप ने, इंद्र ने दे दिया दान। गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान।
इसी तरह सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ बाल गणेश की मुंह दिखाई में दिया भक्तों। नंदी भृंगी और अन्य शिवगण पहले तो डरते डरते बाल गणेश के पास गए, क्योंकि उन्होंने पहले उनके हाथों मार जो खाई हुई थी। परंतु बाल गणेश ने सभी को जैसे ही गले से लगाया, सभी झूमने नाचने और गाने लगे। शिवगणों ने अपने अपने हाथों में ढोल नगाड़े ताशे छेने थाल व घंटे घड़ियाल उठा लिए और मस्ती में बजाने लगे। पूरे कैलाश में जैसे उत्सव का सा माहौल बन गया था भक्तों। बाल गणेश के जन्मोत्सव व नामकरण की प्रसन्नता में जैसे तीनों लोग सम्मिलित हो गए थे। शिवगण बाल गणेश को नाचते गाते कैलाश में ले आते हैं भक्तों। माँ गौरा, माँ शारदा, माँ लक्ष्मी और सभी देवियाँ माँ गौरा की रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने लगी कि तभी माँ गौरा को ध्यान आया कि पुत्र बाल गणेश को भी तो भूख लगी होगी, भला उन्हें क्या पसंद है, वो क्या खाएंगे। माँ गौरा ने अपने हाथों जो 56 भोग तैयार किए थे वो बाल गणेश के समक्ष रखे, तो बाल गणेश ने गौरा माँ के हाथों के बने मोदक का थाल उठाया और बड़े प्रेम से मोदक का भोग लगाया। तभी से भक्तों भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश की जय। नंदी ने ढोल उठाया, भृंगी ने ले लिया चिमटा, शिवगणों ने था लगाया, भक्तों फिर प्यार से ठुमका। शिवगणों ने था लगाया, भक्तों फिर प्यार से ठुमका। गौरा मैया ने भक्तों के 56 भोग बनाए, गणेश ने बड़े प्यार से थे मोदक भोग में खाए। गणेश ने बड़े प्यार से थे मोदक भोग में खाए। जय जयकारे गूंज रहे थे, जय जयकारे गूंज रहे थे, हो रहा था गुणगान गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा महान, गणेश के जन्म की कथा इसी तरह भक्तों कई दिनों तक कैलाश पर भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता रहा और इधर धरती पर भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप हर पूजन हर शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाने लगा। सबसे प्रथम उन्हें पूजा जाने लगा। सभी पृथ्वीवासियों पर भगवान श्री गणेश अपनी कृपा बरसाने लगे। धीरे धीरे उनकी लीलाएं तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने लगी। समस्त वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश की कृपाओं और कथाओं का उल्लेख होने लगा। भगवान श्री गणेश ने समय समय पर भक्तों के हित 8 अवतार धारण किए भक्तों, और बड़े बड़े असुरों का संहार किया। भगवान श्री गणेश की जिसने भी तपस्या पूजन और अर्चन किया उन पर भगवान श्री गणेश ने अपनी कृपा बरसाई।
उनके बल बुद्धि और ज्ञान की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। भक्तों, माँ पिता के प्रदक्षिणा मात्र से उन्होंने भगवान शिव और माँ गौरा की असीम कृपा प्राप्त की। कालांतर में भगवान श्री गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। इस घनघोर कलयुग में भी भक्त भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उनका पूजन अर्चन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो बोलिए भक्तों, गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की जय हो। गणपति वक्र तुंड है, गणपति है लंबोदर, भरते हैं झोली सबकी जो आता इनके दर पर। भरते हैं झोली सबकी जो आता इनके दर पर। रिद्धि सिद्धि के दाता, बल के बुद्धि के प्रदाता, है चंदन जन्म जन्म का भक्त भगवान का नाता। है चंदन जन्म जन्म का भक्त भगवान का नाता। कृपा दृष्टि भक्तों पे रखना, कृपा दृष्टि भक्तों पे रखना, हे गणपत भगवान। गणेश के जन्म की कथा महान, 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 गणेश के जन्म की कथा महान।